Good morning, friends. So today we will start with AS2, that is valuation of inventory. Right? Now, accounting for inventory आपके foundation syllabus में भी था, तो काफी सारा चीज मिलता जुलता है. हम लोग quickly इसको go through करेंगे and we will finish it. Inventory valuation था आपके foundation syllabus में, उसी से related हम लोग standard पढ़ेंगे, that is AS2. Which soul and soul deals with valuation of inventory. तो सबसे पहले अपने को inventory का meaning समझना है, उसके बाद उसका valuation principle समझना पड़ेगा. तो सबसे पहला point जो है हमारा meaning of inventory. Basically तीन type का inventory होता है. Inventory का मतलब होता है एनी आइटम आर्टिकल प्रोडक्ट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हेल्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेल. माल अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है. हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. Is that fine? तो inventory का मतलब होता है held for sale in the ordinary course of business. इसको बोला जाता है finished goods. In the production process for sale, इसको बोलेंगे हम लोग work in progress. और कच्चा रॉ मटेरियल मतलब अनप्रोसेस्ड हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड. अभी तक कंज्यूम हुआ नहीं है, होगा. तो ये मेरा रॉ मटेरियल्स. इज दैट फाइन? तो अगर आपको कोई बोलेगा इन्वेंट्री का मतलब बताइए, तो आप सिंपली बता दीजिएगा आइदर इट इज हेल्ड फॉर सेल, माल बन चुका है, बिका नहीं है, बन रहा है बेचने के लिए, या बनाने के लिए अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ. आइदर इट इज इन फिनिश्ड फॉर्म और सेमी फिनिश्ड और रॉ फॉर्म. राइट? नोट इन्वेंट्रीज include maintenance supplies or consumable stores, loose tools, awaiting for use in the production process. Now, production मतलब बड़ा बड़ा plant and machinery. तो बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरी में बहुत छोटा छोटा कंज्यूमेबल स्टोर, मेंटेनेंस, सप्लाई, लूज टूल्स वगैरह स्टॉक किया जाता है. तो
तो वो भी इन्वेंट्री का डेफिनेशन में आता है। लेकिन ऐसा कोई स्पेयर पार्ट जो AS10 का डेफिनेशन सेटिस्फाई करे, मतलब ऐसा कोई स्पेयर पार्ट जो कोई पर्टिकुलर मशीन में ही यूज होगा, सो इन दैट केस दैट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS10। सो यू नीड टू राइट अनदर नोट। Inventories do not include spare parts servicing equipments and standby equipments which meet the definition of AS10, that is PPE, property, plant and equipment. So these items are not ठीक है। जनरल मेंटेनेंस सप्लाई, कंज्यूमेबल स्टोर, लूज टूल्स, ये सब क्या जो हर मशीनरी में यूज हो पाएगा, तो उसका हम लोग इन्वेंट्री बना के रखते हैं। मान लो हमारा बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी का है, प्लांट बैठा हुआ है, अब उसमें पुर्जा वुर्जा तो छोटा मोटा नट स्क्रू ये सब तो रखना ही पड़ता है। आपके घरों में भी देखेगा एक टूल बॉक्स होता है जिसमें ब्रेक, नेल्स, ये सब रहता है, कभी भी दरकार पड़ा ठोका ठाकी कर लिया। अब एक दो फोटो वोटो टंगाना है तो उसके लिए अलग से थोड़ी ना मिस्त्री बुलाएंगे, तो वो आपका इन्वेंट्री में आएगा। लेकिन अगर कोई स्टैंड बाई इक्विपमेंट है या कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट या कोई स्पेयर पार्ट है जो कोई एक पर्टिकुलर मशीनरी में यूज होगा, सो दैट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS10, वो AS2 में कवर्ड नहीं होगा। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? तभी अब मैं आपको इन्वेंट्री ही बता रहा हूं। आइए, नोट, AS2 इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन, जो AS7 में कवर्ड है, WIP arising under construction contracts, हम लोग AS7 पढ़ेंगे, ग्रुप टू में है। शेयर, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हेल्ड एज शेयर डिवेंचर के केस में भी कवर्ड नहीं है। लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब केसेस में भी कवर्ड नहीं है। मिनरल ओर्स,
ऑयल गैसेस, इज दैट फाइन? सो A7 का जो भी WIP वगैरह है, शेयर डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिनरल ओर्स गैसेस, अच्छा मैं अगर इसका बात करूं ना, तो इसका इंडस्ट्री में दीज आइटम्स आर वैल्यूड एट 7 दीज आइटम्स आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसका जो इंडस्ट्री है ना, लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनका इंडस्ट्री है, एज पर देर इंडस्ट्री नॉर्म दीज आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इवन इफ एनआरवी इज एबव कॉस्ट. मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब. तो बेसिकली ये सारे आइटम्स पे AS2 नॉट एप्लीकेबल, ये सारे आइटम्स पे AS2 नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, इज दैट फाइन? आइए, तो अभी तक हमने इन्वेंट्री का डेफिनेशन आपको पढ़ाया है, अब इस डेफिनेशन से रिलेटेड मैं आपको एक आधा सम कराऊंगा. तो हमारे बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहला पढ़िए उसको, जस्ट गिव अ रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1 को. बोलो तनीषा कैसे करेंगे? पढ़ो राहुल, आप बताइए. मैंने एक प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इट्स अ टाइप ऑफ जैसे क्या बोलता है ना, प्री लॉन्च टाइप का गुड्स, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें मैंने एक मॉडल बनाया है जो मैंने आपके कस्टमर लोकेशन में बैठा दिया है फॉर गेटिंग एक्सेप्टेंस. ठीक है, अभी ओनरशिप मेरे पास में है, जैसे तुम एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा हो जाएगा, या तुमको फ्रेश मॉडल बना के दे देंगे जो भी. तो हमने इसको एसेट ट्रीट कर लिया. नाउ एक बात बताओ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, दो चीज होता है, फिक्स्ड एसेट का खासियत क्या है, हम किसी को दिया यूज करने के लिए, और इन्वेंट्री का खासियत क्या होता है, हम तुमको बेच दिया. इसमें क्या होता है, ओनरशिप मेरे पास होता है एंड यू पे मी रेंटल्स. तुम हमको क्या दो, क्या रेंटल्स, और इस केस में तुम हमको देगा
सेलिंग प्राइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज मैं अपन मेरा बुक्स में इसको फिक्स्ड एसेट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्या मैंने उसको यूज करने के लिए दिया है? मैंने वहां पे इंस्टॉल किया कि वो देखेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। तो पहला बात तो ये क्लियर। अच्छा, अभी मेरे पास ओनरशिप है। तो तुम लोग फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा था, गुड्स सोल्ड ऑन, रिमेंबर? इसमें यही होता था, कस्टमर को अपन गुड्स दे देते थे, कस्टमर फिर एक्सेप्ट करके बताता था। तो पहला बात तो साफ है, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, इट इज प्योर केस ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं उसको जो कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन दिखा रहा हूं, ये गलत ट्रीटमेंट है। सो आई हैव टू डू द करेक्ट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला पार्ट लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, द प्रोटोटाइप इंस्टॉल्ड एट कस्टमर्स लोकेशन। समझ में आ रहा ना? साफ साफ लिखा है, देखो, एज अ चीफ अकाउंटेंट अ प्रोटोटाइप वॉज इंस्टॉल्ड एट वन ऑफ द कस्टमर्स लोकेशन फॉर गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। प्रोटोटाइप इंस्टॉल्ड एट कस्टमर लोकेशन फॉर एक्सेप्टेंस इज एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री नॉट फिक्स्ड एसेट। ठीक है, द अबव ट्रांजैक्शन इज गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। इज दैट फाइन? Therefore, the company's treatment of capitalizing the prototype and providing depreciation on it is incorrect. The correct treatment would be to record sales
एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अपॉन हिज एक्सेप्टेंस. बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है. मैं आपको एक बात बताऊं, आज तुम जब एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुमको यूज करने के लिए दूंगा कि सेल हो जाएगा. सेल हो जाएगा. सो द कंसिडरेशन विच विल फ्लो इज सेलिंग प्राइस. तो कंपनी ट्रीटमेंट क्या किया, उसको कैपिटलाइज किया और डेप्रिसिएशन दे रहा है, तो ये इनकरेक्ट है. अपने को क्या करना चाहिए था, सेल दिखाते अपन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन और रेवेन्यू दिखाते जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो रिटर्न दिखा देंगे. इज दैट फाइन. तो अभी वैल्यूएशन पॉइंट नंबर वन मीनिंग हो गया. कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो लोअर है, नोट एनआरवी इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस, अगर इनकम्प्लीटेड है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह. ये आपने किया है बचपन में भी, फाउंडेशन में था ये हमारा. इज दैट फाइन. आइए क्वेश्चन टू.
राइट। नाउ वी लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹40 लाख, 75% भेजा तो बचा 25%। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ब्रैकेट में 25%, तो इसका कॉस्ट है 10 लाख। एनआरवी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख माइनस कमीशन लगेगा 10%, तो 10% ऑफ 11 9.9 लाख। पूरा लॉट का दाम था 40 लाख, 25% बचा तो 25% का कॉस्ट आ गया 10 लाख। हाँ ना, इज दैट फाइन? बोलिए, लिखा है ना 75 तो बिक गया, तो जो बचा उसी का ना वैल्यू करेंगे। तो 40 लाख टोटल परचेस कॉस्ट है, उसमें से 25% बचा है, तो 25% का कॉस्ट है 10 लाख। अच्छा, जो बचा उसको फ्यूचर में 11 लाख में बेचेंगे, लेकिन 10% कमीशन देना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है तुम्हारा 11 लाख, सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ 11 लाख। सो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 9.9 लाख। तो कंपनी कितना में वैल्यू किया है? 'करेक्ट' है, कंपनीज वैल्यू इज इनकरेक्ट। करेक्ट वैल्यू निकालने बोला है, कमेंट करने नहीं बोला। अच्छा, तो ये जो अपने लोअर चेक करते हैं ना, आइटम बाय आइटम बेसिस का करेंगे, हर एक आइटम का अलग अलग चेक होगा भाईजान। अगर मेरे पास 10 आइटम है इफ आई एम डीलिंग इन 5 प्रोडक्ट्स, पांचों प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट और एनआरवी चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट? बेस्ट लिमिटेड डील्स इन 5 प्रोडक्ट्स, PQRST विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। ठीक है, वाइल क्लोजिंग सबका हिस्टोरिकल कॉस्ट और वो सब दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने बोला है। आइटम्स कॉस्ट एनआरवी
एनआरबी, लोअर ऑफ वन और टू, पी क्यू आर एस टी, पी फाइव सेवेंटी, नाइन लाख एट्टी, 3,16,000, 4,25,000, 1,60,000, फोर लैख सेवेंटी फाइव, 10,32,000, तो पहला आइटम में लोअर क्या है? 4,75,000, 9,80,000, 2,89,000, 4,25,000, 4,25,000। आइटम बाय आइटम हर एक आइटम का कॉस्ट लोअर देखा जाएगा, एनआरवी और कॉस्ट में जो लोअर है। इज दैट फाइन? आरटीपी का ये सवाल है, क्वेश्चन फोर। यस और नो? क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला है? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड एट 956,700।
फॉलोइंग आइटम्स वी आर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल, मतलब 956,700 इज द टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट, और उसमें से कुछ आइटम्स यहां दिया हुआ है जो कि कॉस्ट में इंक्लूडेड है। साढ़े 300 शर्ट, कॉस्ट 380 दिया है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 750 दिया हुआ है, लेकिन ओइंग टू डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर दे कैन नॉट बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, लिखा है 50% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बिकेगा 375, और सेलिंग एक्सपेंस लगेगा 5% ऑफ द प्रोसीड। ट्राउजर का भी वही अवस्था है, आइए। सो आइटम्स यूनिट कॉस्ट शर्ट
तो देख लीजिए, इसका कॉस्ट ये आ रहा है 375 के हिसाब से, इसकी एनआरवी ये है, दोनों में जो लोअर है ये आ गया, एनआरवी लोअर है। इसका कॉस्ट ये आ रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस इकट्ठा दिया हुआ है तो इसका कॉस्ट ही लोअर आ रहा है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में ये दोनों ही आइटम किस पे है, कॉस्ट पे है। अच्छा, तो ट्राउजर का तो लोअर कॉस्ट ही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड एट कॉस्ट, तो जिसका जिसका वैल्यूएशन कॉस्ट ही आ रहा है उसको कॉस्ट पे ही रहने दो। लेकिन शर्ट का कॉस्ट वाला वैल्यू हटा के इसका एक्चुअल वैल्यू आ रहा है 124,688। तो 956,700 माइनस 133 प्लस 124,688, तो यार है 948,388। इज दैट फाइन? आइए, तो अभी क्या है, ध्यान से समझने वाला बात है। कितना नंबर पॉइंट था ये? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अभी AS2 में ना, पॉइंट नंबर थ्री, हाउ रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर यूज आर
इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर वैल्यूड. बेसिकली ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको. रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन यूजुअली वैल्यूड एट कॉस्ट. अभी तक अपने जिस चीज का वैल्यूएशन का बात कर रहे थे वो था WIP एंड फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल इज बीइंग वैल्यूड डिफरेंटली. रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स इन विच such raw material is to be incorporated is expected to be यूजुअली कॉस्ट पे वैल्यू होता है. लेकिन एक कंडीशन है, मतलब यहां पे फिनिश गुड्स का वैल्यू के बेसिस पे रॉ मेटेरियल का वैल्यू डिपेंड करता है. अगर फिनिश गुड्स इन विच रॉ मेटेरियल इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, then raw material will be valued at replacement cost. Basically NRV. Right? Is that fine? आइए क्वेश्चन नंबर 5. बहुत इंपॉर्टेंट है. पढ़िए. रॉ मेटेरियल को परचेस किया गया ₹125 पर केजी, ठीक है. प्राइस ऑफ रॉ मेटेरियल गिर रहा है, ठीक है. Finished goods being manufactured with the raw materials also sold below cost. मतलब इस raw material से जो finished goods manufacture हो रहा है वो below cost बिकेगा. Raw material का stock है हमारे पास 15,000 kg, ठीक है. और उसका replacement cost दिया हुआ है 100. फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालना है तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट में तो मटेरियल कॉस्ट भी आएगा, लेबर कॉस्ट भी आएगा, वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड का शेयर भी आएगा. जो लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया है, बट ऑब्वियस आपका क्लासेस तो कुछ हद तक बढ़ ही गया होगा, यू नो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. हम लोग उसमें डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट लेबर लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड को एवरेज बेसिस पे लेते हैं. And how that average is calculated? Total production overhead divided by total fixed production overhead divided by normal capacity means expected output.
तो यहां पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द ईयर दिया हुआ है 1 लाख केजी, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का नॉर्मल कैपेसिटी दिया 1 लाख केजी और कॉस्ट है 10 लाख। अच्छा एट द ईयर एंड 2000 फिनिश गुड्स ऑफ, अच्छा 2000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक में है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140 दिया हुआ है। नो, मेरा बात ध्यान से सुनिए, ये हमारा बैलेंस शीट डेट है। इस बैलेंस शीट डेट को क्लोजिंग स्टॉक में है क्या क्या? पहला है रॉ मटेरियल है हमारे पास 15,000 किलो, दूसरा हमारे पास फिनिश गुड्स है 2000 किलो। तो पहले वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे, उसके बाद अपन निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। आज के दिन जो हमारा बैलेंस शीट डेट है इसको गौर से समझना है। हमारा बैलेंस शीट डेट वाले दिन ये दो स्टॉक पोजीशन है हमारे पास में, दीज आर द टू स्टॉक पोजीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 2000 केजी। सबसे पहले कॉस्ट, ये कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, ₹125, डायरेक्ट लेबर आ रहा है 20, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहा है 10, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का एवरेज बेसिस पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डालेंगे 10 लाख है मेरा बजटेड कॉस्ट, नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है तो मेरा एवरेज 10 रुपये आ रहा है, तो मेरा कॉस्ट आ रहा है 165। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2000 से, तो ये आ रहा है मेरा 140 पर केजी, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने कॉस्ट निकाला, ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन है, डायरेक्ट मटेरियल है ना, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, लेबर और ओवरहेड को मिला के बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट।
जिसमें डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ये सब पर केजी दिया रहेगा, पर यूनिट। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल दिया रहता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, उसका एवरेज निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। सब एएस टू में लिखा है ये सब। तो कॉस्ट पर केजी आ रहा है मेरा 165। एनआरवी दिया हुआ है 140, तो दोनों में जो लोअर है उस हिसाब से आ गया। अभी साफ समझ में आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल 15,000 केजी, सिंस फिनिश गुड्स इज 15,000 बिलो कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स शुड बी वैल्यूड एट 15,000 केजी का रिप्लेसमेंट वैल्यू 100 करके दिया हुआ है। और क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। इज दैट फाइन एवरीवन? आइए अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट आता है। तो साफ दिख ही रहा है सर, अभी आपने निकाल ही दिया फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालने में। सर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, कन्वर्जन आएगा, प्लस एक चीज और आता है अदर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द गुड्स टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? एक कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसमें है डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि एवरेज बेसिस पे आता है, एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। नंबर थ्री अदर कॉस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर Is that fine? क्वेश्चन सिक्स, ग्रुप वन के एएस कंपैरेटिवली बहुत इजी है ग्रुप टू से। स्टेट विथ रेफरेंस टू एएस हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। पर किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स में मटेरियल है 100 पर केजी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 20 पर केजी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 10 पर केजी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पूरे साल का दिया 1,00,000 केजी का 10,00,000 और 2,000 केजी फिनिश गुड्स में बचा हुआ है। तो यहां पे एनआरवी नहीं दिया तो जो कॉस्ट आएगा वही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल यही वाला चीज है जो आपने अभी किया क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए फटाफट कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 2,000 केजी, डायरेक्ट मटेरियल है 100, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 20, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 10,
एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होगा 10 लाख, इज माई प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बाय 1 लाख केजी, नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे एवरेज निकाल लिया। सो दिस इज कमिंग टू रुपीस 140 पर केजी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 2000 केजी से, दो लाख 80 हजार आ गया। एकदम सिंपल है बेटा। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार होमवर्क है, आप लोग कॉस्ट में पढ़े होंगे, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, जस्ट एक बार देख के आइएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।